भारत की महान पौराणिक कथाओं का संग्रह। सब्सक्राइब करें भक्ति कथा। नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, प्रणाम प्रीति महाराज शिवाय। क्षमा करें देवऋषि, मुझे आपके आने का आभास ही नहीं हुआ। प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। प्रणाम। नारायण नारायण भृंगी महाराज, आज आपके साथी शिवगण कहाँ हैं? और शिवगण में प्रमुख नंदी महाराज भी नहीं दिखाई पड़ रहे। माता पार्वती कहाँ हैं? देवऋषि, माता पार्वती तो अपने पिता के घर हिमाचल गई हुई है। उनके न रहने से खिन्न शिवगण कैलाश की पहाड़ियों में तपस्या लीन हो गए। नारायण नारायण, शिवगणों ने तब तक तपस्या करने का निश्चय कर लिया है जब तक माता लौट कर नहीं आती। ये क्या, नंदी महाराज भी शिवगणों के साथ? नहीं नहीं देवऋषि, गण प्रमुख नंदी महाराज तो माता पार्वती और श्री गणेश को लेवाने हिमाचल गए हैं। भोलेनाथ अकेले ध्यान में मग्न है, इसी कारण मैं उनकी सेवा में खड़ा हूँ। लंबे समय पश्चात आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। दुखी ना हो भृंगी महाराज, अब हमारा कैलाश सुनसान नहीं रहेगा। नारायण नारायण, मेरा अनुमान है कि शीघ्र ही कुमार कार्तिकेय और मयूरेश्वर श्री गणेश यहाँ पहुँचने वाले हैं। धन्य हैं आप देवऋषि, धन्य हैं। भैया कुमार और भैया मयूरेश्वर के आने की सूचना सुनाकर आपने हमें धन्य कर दिया। प्रणाम पिताश्री। ठीक समय पर इन दोनों के आने की सूचना देकर कैलाश का वातावरण आनंदित कर दिया है। पिताश्री, कैलाश के सूनेपन का ज्ञान होते ही मैं कार्तिक के भैया को लेकर यहाँ चला आया। मैं जानता हूँ मयूरेश्वर, परंतु तुम्हें कार्तिकेय की व्याकुलता और कैलाश के सूनेपन की सूचना देने में देवर्षि की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तुम दोनों को इनका आभार मानना चाहिए। देवर्षि, जिस प्रकार आपके भीतर संसार के कल्याण की भावना है, उसी प्रकार हर जीव के भीतर संसार कल्याण की भावना जाग जाए तो ये संसार कितना सुंदर हो जाएगा। यदि श्री शैल पर्वत गुफा में अदृश्य रूप से उपस्थित होकर आप भैया कार्तिकेय की व्याकुलता का अनुभव न करते तो मुझे भी परम देव श्री महागणेश की आज्ञा पाने में समय लगता। धन्यवाद देवर्षि। नहीं नहीं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। परम देव श्री महागणेश और भगवान भोलेनाथ अपनी इच्छा मात्र से मुझे गति देते हैं। सत्य तो ये है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं आपकी इस प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ। एक भक्त को अपने जीवन में जिस मर्यादा का पालन करना चाहिए, तुम उसके आदर्श हो नारद। भक्त शिरोमणि के रूप में तुम्हारा नाम संसार में सदा अमर रहे। नारायण नारायण भोलेनाथ, आज अनायासी मुझे इतनी कृपा प्राप्त हुई है, मैं तो उसके योगी ही नहीं हूँ। मेरे कर्तव्य की डोर तो आप सभी के हाथों में बनी है। नारद, कुमार कार्तिकेय के यहाँ चले आने से तुम्हारे नए कर्तव्यों का निर्धारण हो गया है। नारायण नारायण भोलेनाथ, आप निश्चित रहें, कुमार कार्तिकेय के यहाँ चले आने से इनके गुरु ऋषि अगस्त्य को चिंतित नहीं होना पड़ेगा। मैं उनकी तपस्या पूर्ण होने से पूर्व ही उन्हें सूचित कर दूंगा। कुमार मयूरेश्वर, तुम दोनों को कैलाश पर अपनी माता पार्वती को न देखकर आश्चर्य नहीं हुआ? नारायण नारायण भैया कुमार, भैया मयूरेश्वर, अभी अभी मुझे भृंगी महाराज ने बताया कि माता पार्वती गौरी पुत्र श्री गणेश के साथ हिमाचल चली गई हैं और नंदी भैया उन्हें बुला लाने के लिए गए हैं। क्षमा करें भोलेनाथ, क्षमा करें, मुझसे भूल हो गई। जो बात आपको बतानी चाहिए थी भोलेनाथ, वो बात मैंने बताकर दृष्टता कर दी। नारायण नारायण, मुझे क्षमा कर दे भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर। आपके कर्तव्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं देवऋषि। जो आज्ञा महादेव, जो आज्ञा। ओम नमः शिवाय नमः। मयूरेश्वर, क्या हमें भी माता श्री और गौरीपुत्र गणेश को मिलने हिमाचल महल नहीं जाना चाहिए? तुम जाओ बड़े भैया, मैं
पिताश्री की सेवा में यही रहूंगा। सेवा का ऐसा अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है। ओम पितृदेवाय नमः। कुमार, इस समय तुम्हारा हिमाचल महल जाना आवश्यक है। हिमाचल राज हिमालय और महारानी मैना भी तुमसे मिलना चाहते हैं। जो आज्ञा पिताश्री। ओम नमः शिवाय। 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 तुम मेरी बात पर उदास क्यों हो गए नंदीश्वर? मैं जानती हूँ कि महादेव इन दिनों अधिकतर ध्यान में लीन रहते हैं। इसीलिए माता, आपको हम कैलाश ले जाने के लिए आए हैं। आपके बिना कैलाश सूना सूना सा लगता है। तुम तो जानते हो नंदीश्वर, विवाह के लंबे समय के पश्चात मैं माता पिता के पास हिमाचल आई हूँ और वे चाहते हैं कि मैं गणेश के साथ कुछ दिन और यहाँ रहूँ। लेकिन माता, हमारा धर्म हमें माता पिता की आज्ञा को ठुकराने की शिक्षा तो नहीं देता। माता पिता की आज्ञा मानना तो हर एक का धर्म है, परंतु आपके कैलाश पर ना होने से हम शिवगण सब अनाथों की भांति हो गए हैं। यदि इस समय श्री गणेश वहाँ होते तो हमारी उदासी समाप्त हो जाती। उनके साथ खेल में सम्मिलित होकर हम उदासी को भूल जाते। माता, गण प्रमुख नंदी महाराज आप यहाँ चले आए और श्री गणेश बालक मयूरेश्वर के रूप में वहाँ प्रकट हो गए। इधर उधर क्या देख रहे हैं आप? मैं सत्य कह रहा हूँ, यदि आप कुछ समय धैर्य धारण करते तो आपको न यहाँ आना पड़ता, न ही निराश होकर जाना पड़ता। आप कहाँ हैं गौरी पुत्र श्री गणेश? आप हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे? श्री गणेश, इस समय मेरा मन बहुत व्याकुल है, कृपया मुझसे परिहास ना करें। इस समय आप मेरी सहायता करें। कैसी सहायता नंदी महाराज? माता पार्वती, कुमार कार्तिकेय और आपके चले आने से कैलाश का वातावरण सूना हो गया है। कुछ करें श्री गणेश, कैलाश को पुनः आनंदित करें श्री गणेश। अब तो आपकी प्रार्थना पर विचार करना ही होगा नंदी महाराज। नटखट गणपति की लीला देख रहे हो नंदी? मेरे पास यहाँ रहकर मुझे इसी तरह सताता रहता है ये। गजानन, देखो नंदी महाराज कितनी दूर से कैलाश से चलकर तुमसे मिलने आए हैं। इन्हें सताओ नहीं पुत्र। आओ नंदी महाराज, मुझे ढूंढ लो। श्री गणेश, श्री गणेश, आप कहाँ हैं? श्री गणेश, आप कहाँ हैं? श्री गणेश, आप दिखते क्यों नहीं? आप कहाँ श्री गणेश? आप दर्शन देना श्री गणेश, दर्शन दे श्री गणेश, दर्शन दे। नंदी भैया, मैं यहाँ हूँ। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, आप कहाँ हैं? दर्शन क्यों नहीं देते? नंदी भैया, मैं यहाँ हूँ। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, अरे श्री गणेश दर्शन दीजिए, अरे श्री गणेश दर्शन दीजिए, अरे श्री गणेश दर्शन दीजिए, श्री गणेश, श्री गणेश कृपया दर्शन दीजिए, श्री गणेश कृपया दर्शन दीजिए, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। श्री गणेश, तू हमको मूर्ख बना गए। गौरी पुत्र ने तो आज हमको छका दिया। हे भोलेनाथ, नंदी महाराज, मैं तुम्हारे इतने समीप हूँ, फिर भी तुम मेरे दर्शन नहीं कर पा रहे हो, यह कितने दुख की बात है ना? मुझ पर दया करें गौरी पुत्र, मेरे साथ इस प्रकार आंख मिचोली का खेल ना खेलें। क्यों ना खेलें? जब आपने खेल प्रारंभ किया है तो अंत तक तो खेलना ही पड़ेगा, यह तो खेल का नियम है। मैं नियम वियम कुछ नहीं जानता, मुझे तो क्षमा करें और अपने दर्शन दें।
कितने दिनों से आपकी मनमोहक छवि नहीं देखी मैंने। अब आप चिंता ना करें नंदी महाराज, आपकी सहायता के लिए मैं आ गया हूँ। अब आप जी भर के दर्शन कीजिएगा गौरी पुत्र गणेश के। आप कितने दयालु हैं कुमार, आपने मेरी निराशा को उत्साह में बदल दिया। आप दोनों के एक साथ दर्शन पाकर मेरा हिमाचल आना सफल हो गया। आप धन्य हैं। पुत्र कुमार कार्तिकेय, दीर्घायु हो पुत्र, दीर्घायु। पुत्र कुमार कार्तिकेय, तुम्हें यहाँ बुलाने की कामना अभी तक अधूरी थी, किंतु शिव कृपा से वो स्वयं ही पूर्ण हो गई। अब तुम दोनों अपनी माता के साथ यहीं रहो। हम तुम्हारी बाल लीलाओं का आनंद पाने के लिए कब से व्याकुल थे। अब हम तुम दोनों को यहाँ से जाने नहीं देंगे। परंतु नंदी महाराज के विषय में भी कुछ सोचिए नानी माँ। हमें साथ न ले जाने पर यह अपने स्वामी भगवान शिव को क्या मुँह दिखाएंगे। तुम भी हमारे साथ यहीं रह जाओ नंदी। नहीं नहीं माता, यदि शीघ्र मैं कैलाश नहीं पहुंचा, तो भोलेनाथ मुझ पर क्रोधित होंगे और उनके क्रोध से मेरी क्या दुर्दशा होगी, ये तो आप जानती हैं ना माता। माता श्री, नंदी महाराज को कैलाश जाने दें। नंदी महाराज मयूरेश्वर गणेश पिताश्री की सेवा में पहुंच चुके हैं, इस कारण पिताश्री के क्रोधित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी आप यहाँ नहीं रुकना चाहते, तो कैलाश जाकर भगवान शिव से इतना अवश्य कह दीजिएगा कि हम कुछ दिनों यहाँ रहकर। नहीं नहीं नंदी, भोलेनाथ से कहना कि हम इन तीनों को जब तक चाहेंगे तब तक अपने पास रखेंगे और फिर स्वयं इन्हें लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। मैं तुम्हारे मन की स्थिति समझता हूँ नंदीश्वर, इन बालकों से एक क्षण के लिए दूर रहना असंभव है, परंतु क्या तुम हमें इस आयु में अपने नातियों का मुख देखकर सुखी देखना नहीं चाहते। नहीं नहीं महाराज, आपका तो इन पर हमसे अधिक अधिकार है। प्रश्न अधिकार का नहीं है नंदीश्वर, प्रश्न स्नेह का है। गजानन और अब कार्तिकेय के यहाँ आ जाने से इस आयु में ये लगने लगा है जैसे हम भी इन्हीं की तरह बालक हो गए हैं। इनकी बाल लीलाओं का दर्शन हमारे न जाने कितने जन्मों का पुण्य है, हमें इस पुण्य से वंचित ना करो नंदीश्वर, हमें इस पुण्य से वंचित ना करो। महाराज आप हमें आज्ञा दें, आपकी जो इच्छा होगी वही हम करेंगे। हे नंदीश्वर, मैं तुम्हें आज्ञा की नहीं प्रेम और स्नेह की डोर से बांधना चाहता हूँ। तुम्हारा कैलाश जाना अति आवश्यक है, अन्यथा मैं तुम्हें भी लौटने न देता। मुझे पूर्ण विश्वास है नंदीश्वर कि तुम्हारी प्रसन्नता से भोलेनाथ भी अति संतुष्ट होंगे। आप निश्चिंत रहे महाराज, मयूरेश्वर भोलेनाथ की सेवा में पहुंच चुके हैं। आप सबकी कृपा से हम शिव गुणों को भी समझाने का प्रयास करेंगे। माता, महाराज हिमालय और महारानी मैना की जब तक इच्छा हो तब तक आप यहाँ निवास करें और हमें जाने की आज्ञा दें। नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय, ओम श्री महागणेशाय नमः। लगता है महर्षि अगस्त की तपस्या पूर्ण नहीं हुई, उनकी तपस्या में बाधा डालना उचित नहीं होगा नारद, अतः यहीं रहकर प्रतीक्षा करनी होगी। नारायण नारायण। प्रणाम महर्षि, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। देवर्षि आप यहाँ। नारायण नारायण। ऋषिवर, आपने चतुर्मास प्रारंभ होने से पूर्व ही अपना आश्रम बदल लिया और उसकी सूचना देना भी मुझे उचित नहीं समझा। देवर्षि आपको सूचना देने की क्या आवश्यकता है, आप तो संसार के सूचना तंत्र हैं। जहाँ रवि की किरणें नहीं पहुँच पाती वहाँ आपका कवि हृदय पहुँच जाता है। नारायण नारायण। मैं जानता हूँ देवर्षि आप मेरे शिष्य
शिव पुत्र कार्तिकेय की सूचना लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। ऋषिवर, परमदेव श्री महागणेश का संकेत पाकर शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय मयूरेश्वर श्री गणेश के साथ कैलाश पहुँच चुके हैं। कैलाश नहीं देवर्षि, कार्तिकेय शिव आज्ञा से अपनी माता पार्वती की सेवा में हिमाचल राज्य में है। नारायण नारायण, अर्थात सूचना तंत्र को ही सूचना का ज्ञान नहीं है। ये भी तो संभव हो सकता है देवर्षि कि संसार के सूचना तंत्र ने कार्तिकेय की सूचना को महत्वपूर्ण ही न समझा हो। ऋषिवर, यदि आपको सभी सूचनाओं का ज्ञान है तो फिर मुझे आज्ञा दें। ऋषिवर, आपने मुझे आज्ञा नहीं दी। मैं जानता हूं देवर्षि, ऋषि समाज में त्रिदेवों और परमदेव श्री महागणेश की सबसे अधिक कृपा आपको ही प्राप्त है। मैं कुमार कार्तिकेय को लेकर चिंतित हूं, आपसे कुछ विचार विमर्श करना चाहता हूं। नारायण नारायण, मुझसे विचार विमर्श? ऋषिवर, मैं इसके योग्य कहां हूं? देवर्षि, जिस प्रकार वृक्ष को ज्ञान नहीं होता कि उसके फल कितने मीठे, नदी को ज्ञात नहीं होता कि उसका जल कितना स्वच्छ है, उसी प्रकार आपको अपने ज्ञान का ज्ञान नहीं है, परंतु मैं आपके ज्ञान का आदर करता हूं, आपकी भक्ति की सराहना करता हूं। त्रिदेवों की इतनी निकटता भी आपके भीतर कभी अहंकार का कारण नहीं बनती। नारायण नारायण, ऋषिवर, यदि आप मेरी इतनी प्रशंसा करेंगे तो वास्तव में मुझे अहंकार अपना ग्रास बना लेगा। देव ऋषि, अहंकार तो आपकी ओर देखने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता। कार्तिकेय के बार बार कैलाश चले जाने से उनकी शिक्षा और साधना में बाधा पड़ती है, इसी विषय को लेकर मैं चिंतित हूँ। ऋषिवर, तपस्या में भी मेरा मन एकाग्र नहीं हो पाता। नारायण नारायण महर्षि, कुमार कार्तिकेय जैसी दिव्य आत्माएं जनहित और लोक कल्याण के लिए ही अवतार धारण करती हैं। शिक्षा और साधना तो वे केवल समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए ही स्वीकार कर लेती हैं। अतः आप कुमार कार्तिकेय के चले जाने से किसी प्रकार चिंतित ना हो। देवर्षि, मैं कुमार कार्तिकेय के कैलाश चले जाने से चिंतित नहीं हूँ, मैं अपने दायित्व को लेकर चिंतित हूँ। महर्षि, आप तो इस संसार के आदर्श हैं, इस सृष्टि की प्रेरणा है। आप ही ने संसार को यह शिक्षा दी है कि चिंता के समय चिंतित ना होकर व्यक्ति को अपनी समस्त चिंताओं को अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। देव ऋषि, आप धन्य हैं। उचित समय पर उचित परामर्श देकर आपने मेरी दुविधा और चिंता का अंत कर दिया। अब मैं निश्चिंत होकर पुनः अपनी तपस्या प्रारंभ कर सकूंगा। नारायण नारायण। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम अदिति पुत्राय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम अदिति पुत्राय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः। मेरे आराध्य भगवान सूर्य देव, क्या आप मेरी तपस्या को कृपा प्रदान नहीं करना चाहते? क्या आप इसी प्रकार मेरी उपेक्षा करते रहेंगे? क्या मैं ये मान लूं आपकी तपस्या करना मेरी भूल थी? सूर्यदेव, शीघ्र दर्शन दे सूर्यदेव, अन्यथा इसी क्षण मैं अपने प्राण त्याग करके आपका नाम कलंकित कर दूंगी।